बहुत ही बैक माय चैनल, ये है जिंदगी। और आज है दिन संडे, और संडे को लंच मैं थोड़ा लेट से बना रही हूँ, और अभी बज चुके हैं 2:30। तो अभी जा रही हूँ मैं लंच बनाने के लिए। कुछ तैयारी हो चुकी है लंच बनाने के लिए, जैसे कि मैंने चावल को सोख करके रखा है, कटहल जो है उसे मैंने बॉइल करके रखा है। तो आज कटहल की जो है वो थोड़ी सी अलग रेसिपी बन रही। वैसे तो अक्सर सब्जी या फिर कोफ्ते ही बनते हैं, लेकिन आज जो है वो कटहल का मंचूरियन बना रही हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं कटहल की मंचूरियन बनाने की रेसिपी और साथ में पुलाव। और मैं आ गई हूँ किचन में, और चावल जो है वो अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं, तो मैं इसके पानी को निकाल दूंगी और फिर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसमें से जो पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए, उसके बाद पुलाव बनाएंगे हम। तो चलिए सबसे पहले चावल के पानी को निकाल लेती हूँ मैं। और कटहल भी जो है वो अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक ठंडा हो चुका है ये, और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुका है। तो बस कुछ देर और लगेंगे, क्योंकि मंचूरियन को फ्राई करने में भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो चलिए जल्दी से अब करते हैं, क्योंकि लंच का टाइम जो है वो ओवर होता जा रहा है। और यहाँ पे जो चावल मैंने सोख करके रखा था, उसके पानी को निकाल ले रही हूँ और स्ट्रेनर में उसे रख दे रही हूँ, ताकि उसका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए, तब जाकर पुलाव जो है वो अच्छे खिले खिले बने। तो जब भी पुलाव बनाना हो तो पहले चावल को सोख कर लें कम से कम तो 15 से 20 मिनट ज़रूर, और उसके बाद उसे किसी ऐसे बर्तन में रख दें जिससे उसका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और उसके बाद जब चावल सूख जाएंगे अच्छी तरह से, तो उसके पुलाव बहुत ही अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे कटहल जो है वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो मैं इसे मैश कर ले रही हूँ। और अभी भी उबलने के बाद ये कटहल जो है वो थोड़ा सा स्टिकी है, और कटहल बिल्कुल फ्रेश था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है कटहल। एक बड़ा सा कटहल मुझे 10 रुपये का ही मिल गया था,
और यहाँ पे ये जो कटहल हैं वो अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है। और इसमें कुछ हल्के रेसे अभी भी हैं। तो चलिए मंचूरियन बनाने के लिए इसमें और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं डालती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाला इसमें ग्रेट किए हुए आलू, वो भी एक छोटा सा आलू, और साथ ही में मैंने थोड़े से प्याज और लहसुन और हरी मिर्च बारीक कटे हुए, ये सारी चीज़ें मैंने डाली। और साथ ही में यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और साथ ही में 1 टेबल स्पून मैदा। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसमें कूटी हुई काली मिर्च डाली है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और अब यहाँ पे इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पहले मेरे माइंड में है कि चलो इस बार कटहल के कोफ्ते बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कटहल के कोफ्ते तो पहले भी मैंने बनाए हैं, चलो इस बार मंचूरियन बना करके देखते हैं कैसा बनता है। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई है मंचूरियन बनाने का कटहल का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर और मैदा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये गीला गीला भी लग रहा था और कटहल जो है वो ज़्यादा लग रहे थे। और इसमें इतना ही कॉर्नफ्लोर और मैदा डालें कि बस इससे जो है वो बाइंडिंग आ जाए। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, और यहाँ पे ये अभी भी थोड़ा गीला ही है, लेकिन मैंने इसमें फिर बाद में और नहीं डाला है कॉर्नफ्लोर और मैदा, क्योंकि फिर ये जो है वो हार्ड हो जाएंगे मंचूरियन बॉल्स। तो ये देखिए यहाँ पे मंचूरियन बॉल्स जो है वो बन करके, अभी तल करके नहीं बन करके कम्प्लीट है, जिसको मैंने राउंड शेप दे दिया है। और अब इसे हम फ्राई करेंगे, तो चलिए चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। और इधर देखिए ऑयल भी जो है वो गर्म हो रहा है। तो एक एक करके मैं यहाँ पे कुछ मंचूरियन बॉल्स इसमें डाल ले रही हूँ, और अच्छे खासे मंचूरियन एक बार में आप फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसे इसका जो है वो टूटने का कोई डर नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा फ्राई हो चुका है, तो मैं इसे फ्लिप कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे फ्राई होकर के मंचूरियन जो है निकल चुका है, और इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। और ये आप देख सकते हैं ये मंचूरियन जो मंचूरियन है कटहल का, और ये मैं पहली बार कटहल का मंचूरियन खा रहा हूँ, और काफी बेहतर, काफी टेस्टी, बहुत गर्म है, बहुत गर्म, ऑसम, मस्त, वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा। मुझे नहीं लगा था कि इतना बेहतर टेस्ट आएगा, लेकिन वाकई में बहुत टेस्टी लग रहा है। जो हम लोग नॉर्मली वेज मंचूरियन बनाते हैं उससे भी ज्यादा टेस्टी, अभी तो ये पकौड़े ही बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं, यानी कि कटहल के मंचूरियन बॉल्स, और जब ये ग्रेवी में जाएंगे तो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएंगे, और ये बहुत ज्यादा क्रंची भी है। और ये जो अभी इतना सारा है वो उम्मीद है कि अभी खत्म हो जाएगा, बाकी जो और थोड़ा है उसमें ग्रेवी लगेगी। ये तो पकौड़े के रूप में ज्यादा गर्म है, हाथ जो है सह नहीं पा रहा, फिर भी देखिए ये 1.5 इंच की जीव स्वाद के कारण। तो देख सकते हैं गर्मा गर्म खाने के चक्कर में मेरा हाथ भी जो है को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन खाना है तो खाना है, बहुत टेस्टी, लाइफ में पहली बार कटहल का मंचूरियन। थैंक यू मैडम, मैं पहली बार बना ही रही हूँ। देखिए इसके रेसे, और अंदर से सॉफ्ट भी है ये, मुझे लगा था थोड़े हार्ड हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट है, और बिल्कुल बाहर से ये क्रंची है।
सारे मंचूरियन जो है वो फ्राई होकर के निकल चुके हैं, जिसमें से लगभग आधे खत्म हो चुके हैं आधे खत्म हो गए हैं और पुलाव भी तैयार हो चुका है और बस टेस्टी था, अब ग्रेवी बनानी है। इतना ज्यादा टेस्टी था कि हम लोगों से मतलब हम लोग पेशेंस लूज कर चुके हैं और सारा का सारा जो पहला लॉट निकला वो पूरा का पूरा चेट हम लोग कर लिए और उसके बाद सेकंड लॉट में भी हम लोग एक हम और तुम एक दो दो और उसमें से निकल गया। तो हमें लगता है गिनकर कितना बचा होगा, 8 या 10? नहीं नहीं है, थोड़ा 13-14 है, हो जाएगा आराम से होगा। तो कटहल की मंचूरियन एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी लगा और बहुत अच्छा और मजेदार। हमें लगता है कि जो लोग गोभी या फिर पत्ता गोभी ये सब नहीं खाते हैं वो उनके लिए बेहतर चीज है कि कटहल का मंचूरियन वो खा सकते हैं। और जो खास और जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए भी, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए भी ये है। तो चलिए पहले मैं ग्रेवी बनाती हूँ, उसके बाद बातें करेंगे हम लोग। और चलिए मंचूरियन तो फ्राई हो चुके हैं तो अब बना लेते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रखा है और उसमें मैंने बारीक कटे हुए लहसुन डाले हैं और उसके बाद मैंने छोटे टुकड़ों में कटे हुए प्याज और साथ ही थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है और इन सब को बिल्कुल हाई फ्लेम पे एकदम फ्राई करना है। और यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा सोया सॉस और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा रेड चिली सॉस और उसके बाद अब यहाँ पे ये है ग्रीन चिली सॉस। और आप रेड चिली सॉस की जगह पे टोमेटो केचप यूज कर सकते हैं और आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें डालें। और अब यहाँ पे ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ मंचूरियन बॉल्स और इन्हें भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे, एक दो बार फ्लिप कर लेंगे इसे। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी और आप चाहें तो इसे ड्राई भी इंजॉय कर सकते हैं, वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेकिन मुझे पुलाव के साथ बनाना है इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेवी बना रही हूँ। और इस ग्रेवी को थिक करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और साथ ही उसमें 1/2 चम्मच मंचूरियन मसाला चिंग चाइनीज का और उन दोनों को मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अब इसे थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से इसे कुक कर लेंगे। और अब यहाँ पे लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक टुकड़ों में कटे हुए हरी मिर्च और साथ ही बारीक टुकड़ों में कटे हुए लहसुन और ऊपर से इस तरह से लहसुन और मिर्च जो है वो डालने से टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी काले मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास हरे वाले प्याज हैं तो उसके पत्ते भी। और मंचूरियन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, पुलाव भी बनकर के तैयार है। तो चलते हैं फटाफट से हम लोग लंच करने के लिए, बहुत जोरों की भूख लगी है, बोल तो थोड़े से पकौड़े जो खा लिए तो थोड़ी राहत है। आज पतिदेव जी अपने काम में लगे हुए थे इसीलिए लंच बनाने में लेट हुआ है। तो चलिए लंच भी हम लोग निकाल लेते हैं गर्मा गर्म। देखिए पतिदेव जी कितना हड़बड़ाए हुए, मंचूरियन और बताइए। तो कटहल की मंचूरियन कितनी ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप लोग भी जल्दी जल्दी बनाइए अपने घर में और खाइए, इसका मजा लीजिए क्योंकि कटहल का भी सीजन भी है, कुछ दिन ही फिर तो वो कुछ दिन में पक ही जाएगा तो नहीं बना पाएंगे, अभी बनाना है तो बना लीजिए कटहल की मंचूरियन। और ये देखिए शाम में कौवा भी आ चुका है तो उसकी भी आज पार्टी हो गई है, आज उसे भी पुलाव खाने के लिए मिला है। तो सुबह में कबूतर आते हैं और शाम में ये कौवा,
तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड माई ब्लॉग्स।